हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज। शिमला में कांग्रेसी विधायकों की अहम बैठक, दो पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिया इस्तीफा। 12 दिसंबर को होगा शपथ समारोह। बीजेपी ने जीती है 156 सीटें। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा यह परिवारवाद करप्शन के खिलाफ बड़ी जीत। चुनावी मुफ्तवाद की राजनीति करने वालों पर भी साधा निशाना। विरमगाम में हार्दिक पटेल ने दर्ज की बड़ी जीत। जीत के बाद जी न्यूज से बोले हार्दिक पटेल, ये चुनाव सलामती और शांति के नाम पर और गुजरात को अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए लड़ा गया। गुजरात में हार पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस नेता उदित राज बोले नतीजा गले के नीचे नहीं उतर रहा, जरूर कुछ हुआ है। यूपी के मैनपुरी लोकसभा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को समर्पित की ये जीत। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत पर शिवपाल यादव का बयान। कहा ये नए युग की शुरुआत है, परिवर्तन का संदेश है। उपचुनाव में डिंपल की जीत पर अखिलेश यादव का बयान। कहा ये जीत 2024 के चुनाव में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी। मैनपुरी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बदली लखनऊ के सपा मुख्यालय की तस्वीर। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में शिवपाल यादव की हुई एंट्री। एक साथ नजर आए चाचा भतीजा। यूपी के रामपुर में बीजेपी ने जीता उपचुनाव। आरएलडी प्रत्याशी ने खतौली में जीता चुनाव। समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को दी बधाई। सीएम ने ट्वीट कर जनता का आभार व्यक्त किया। गुजरात चुनाव नतीजों पर केजरीवाल का बयान। कहा इस बार हमने बीजेपी का किला भेदा है, अगले चुनाव में हम किले पर जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में 6% से ज्यादा वोट मिलने के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनी आप। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वीडियो के जरिए दी बधाई। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पार्टी मुख्यालय के पास डांस करते नजर आए लोग। गुजरात चुनाव में जीत को लेकर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा हमने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी ने मनाया गुजरात चुनाव में जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने रंग और गुलाल से मनाया जश्न। गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को जनता ने किनारे कर दिया, इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मुंबई में बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जीत का जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में मिठाई बांटी। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा के पिता से की मुलाकात। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी रहे मौजूद। श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी के लिए मांगा इंसाफ। कहा आफताब ने मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या की। श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस पर जताया भरोसा। कहा किसी और के साथ श्रद्धा जैसा ना हो। श्रद्धा के पिता ने वसई पुलिस पर लगाया जांच में ढिलाई का आरोप। कहा सही जांच होती तो बेटी जिंदा होती। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए कड़ी सजा की मांग की। कहा जैसे बेटी का कत्ल हुआ वैसी ही सजा मिले। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कई पत्नियां रखने के खिलाफ कानून लाने की वकालत की। कहा बीजेपी मुस्लिम पुरुषों के कई पत्नियां रखने के खिलाफ है, मुस्लिमों को ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर एनएसए अजीत डोभाल ने दी श्रद्धांजलि। शहीद सीडीएस पर लिखी किताब के विमोचन पर बोले भारत चीनी सीमा विवाद के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत दृढ़ थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 साल के तन्मय को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 65 घंटों से भी ज्यादा समय से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशंस। मंगलवार को 44 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था तन्मय। जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकियों और पाकिस्तान को एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा हमारे प्रशासन की नीति बहुत स्पष्ट, बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत।
दक्षिण भारत में चक्रवात मंडोस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमिलनाडु के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।